फिर जैसे यसुल की आँख खुलती है, वो अपने आप को जो है होटल के एक रूम में पाती है। फिर रात के जो है उसे कुछ पल याद आते हैं, जिसको देख सोच कर वो कहती है मैंने ये क्या कर दिया। फिर जो है वो फटाफट भागने की तैयारी करने लगती है कि तभी वहाँ पे जो है मिस्टर चा आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम भाग कहाँ रही हो। तो यसुल कहती है कि नहीं नहीं कहीं नहीं। फिर जो है वो मिस्टर चा से कहती है कि आपको रात के बारे में कितना याद है। तो मिस्टर चा बोलते हैं कि शराब मैंने नहीं तुमने पी थी। तो फिर वो कहती है यानी कि आपको सब कुछ याद होगा जो भी मैंने कहा था वो सब। तो मिस्टर चा बोलते हैं हाँ तुम फ्यूचर देख सकती हो, तुमने हमारे इंटीमेट होने का भी फ्यूचर देखा था। तो यसुल कहती है हाँ मतलब विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, फिर भी ये सच है। तो मिस्टर चा बोलते हैं अच्छा फिर तुमने मुझे जो है इसी कारण जो है किस करने की कोशिश की थी और रात को भी तुमने यही किया था ना। तो यसुल कहती है रात को तो आपने मुझे पहले किस किया था ना, है ना। फिर वो सोचते हुए कहती है हाँ शायद मैं सच। फिर मिस्टर चा बोलते हैं क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तो यसुल कहती है ना ना बिल्कुल नहीं, मुझे आप में तो कतई इंटरेस्ट नहीं है। मिस्टर चा बोलते हैं कि फिर हम जो है उतनी दूर तक कैसे जा सकते हैं, हमारे बीच इतना कुछ कैसे हो सकता है आगे। तो जो है यसुल कहती है ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन मैं जो भी फ्यूचर देखती हूँ वो हमेशा सच होता है। थोड़ी देर में मिस्टर चा जो है यसुल को एक ड्रेस ला के देते हैं जो कि लीसा कंपनी की होती है। फिर वो कहते हैं कि इसे चेंज करो, हमें जो है काम पे जाना है। फिर जैसे ही नीचे जा रहे होते हैं वो उन्हें लिफ्ट में जो है डायरेक्टली मिलता है। फिर नीचे आते वक्त जो है उन्हें डॉक्टर मिलता है। फिर ये देख के तो यसुल कहती है और पता नहीं कितने लोग हमसे आने वाले हैं यहाँ पर। फिर जो है मतलब ये देख के जो है मिस्टर चा होता है वो अपने कदम पीछे करने लग जाते थे कि तभी जो है डॉक्टर उन्हें देख लेता है और कहते हैं रुको रुको, पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो जो है मिस्टर चा जो होते हैं उसे इशारे में बता रहे होते हैं कि मत पूछ। फिर जो है डॉक्टर बोलता है अच्छा तुम दोनों यहाँ काम से आए हो, ठीक है मैं भी काम से ही यहाँ पे आया हूँ। फिर जो है सभी वहाँ से कट लेते हैं। फिर दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो डॉक्टर था वो यसुल की बहन को जो है डेट कर रहा होता है, तो वो भी यहाँ पे आए होते हैं। सीन जो है आगे बढ़ता है जहाँ यसुल की जो कलीग होती है वो डायरेक्टली और जो है यसुल की फोटो को दिखाकर कहती है क्या तुम पहले से एक दूसरे को जानते हो। तो यसुल कहती है हाँ ये मेरा एक्स है। फिर वो कहते हैं अच्छा भाई ये तो बड़ी मुश्किल घड़ी है, एक तरफ मिस्टर चा है एक तरफ जो है डायरेक्टली है। और भाई ये भी तो किसी इंटरेस्टिंग ड्रामा की तरह है, आखिर कौन सा ड्रामा देखना चाहिए मुझे। जो है वहाँ पे दूसरी एम्प्लॉय आ जाती है। तो फिर जो है वो टॉपिक को चेंज कर लेते हैं कि तभी उस एम्प्लॉय की नज़र जो है वो यसुल की ड्रेस पे पड़ती है। और फिर वो कहती है ये तो लीसा कंपनी की ड्रेस है ना, ये तो बहुत महंगी है और इसको ख़रीदना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मेरी पूरी एक महीने की सैलरी भी खर्च हो गई थी लेकिन फिर भी मैं इसे ख़रीद नहीं पाई थी, तुमने कैसे खरीद लिया और कब खरीदा तुमने। फिर यसुल कहती है बस ऐसे ही। उसी ड्रेस को ख़रीदने के लिए जो है जियोंग यानी कि जो मॉडल होती है वो वहाँ पे लेने आए होती है शॉप पे। लेकिन अब शॉप की जो ओनर है वो कहती है कि मिस्टर चाय तो वो तुम्हारे लिए पहले ही खरीद कर ले गए हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है क्या। फिर कहती है कि क्या। फिर जो है वो कहती है अच्छा मतलब अपनी इज्जत बचाने के लिए जो है वो कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे क्यों नहीं पता होगा। फिर सीन आगे बढ़ता है। फिर जो है B9 कार को लेकर जो है मीटिंग चल रही होती है जिसमें सभी इम्प्लॉय जो होते हैं वो अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं। जिसमें तभी जो है यसुल की कलीग बोलती है कि कार जो होनी चाहिए वो सेक्सी होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें बंदा बैठे ना तो वो प्यार में पड़ जाए और जो है फिर कल जो है सुबह वो होटल में उठे। तो जो स्टोरी थी बिल्कुल मिस्टर चार जो है यसुल पे सूट हो रही थी, तो दोनों जो है एक दूसरे को देखने के लग जाते हैं। तो फिर जो है दूसरी इम्प्लॉय बोलती है कि हाँ सही है, ये तो मेरी भी जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो पहली किस हुई थी वो उसे कार में ही हुई थी। कि थोड़ी देर में मिस्टर चा बोलते हैं कि हमें ऐसी बातें इमेजिन नहीं करनी चाहिए जो जिस पे विश्वास करना मुश्किल हो। फिर ये सब कहकर जो है वो फिर वहाँ से चले जाते हैं, मीटिंग एंड हो जाती है। फिर जैसे ही मीटिंग एंड होती है कि तभी जो है यसुल जो है मिस्टर चा के पास जाती है और कहती है कि आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच है और मैं ये आपको जो है प्रूव करके दिखाऊंगी, तो आप मुझे काम के बाद मिलिए। यसुल वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर चार जो होते हैं वो जो है डॉक्टर को कॉल लगा रहे होते हैं। वो डॉक्टर जो होता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो है लवी डविंग चैटिंग में लगा होता है कि तभी जो है मिस्टर चार का कॉल आते देख कहता है ये आगे रंग में भंग डालने के लिए पागल इंसान। फिर वो कॉल उठाता है तो मिस्टर चा बोलते हैं कि मेरी बीमारी के जो सिम्टम्स हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं, क्या ये अपने आप नेचुरली ठीक हो सकते हैं क्या। तो डॉक्टर बोलता है क्या बीमारी के सिम्टम्स नहीं हैं अब, ऐसे कैसे हो सकता है। तो जो है मिस्टर चा को जो है रात का कुछ सीन याद आता है जिसमें वो जो है यसुल को जो है अपनी पीठ पर जो है ले जा रहा होता और कहता कि ये यार ये कितनी भारी है। फिर जो है वो उसे जो है रूम में ले जाता है और बेड पे जो है लेटा देता है कि तभी जो है यसुल जो है उठती है अचानक और कहती है मुझे बहुत
बहुत गर्मी लग रही है, और तभी वो जो है अपने कपड़े उतारने लगती है। तभी मिसेस चा कहते हैं अरे अरे रुको, फिर जो है वो कपड़े उतारती है और इधर उधर फेंक देती है, फिर वो जो है सो जाती है बेड पे। फिर मिसेस चा जो है वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं और बैठे बैठे जो है वो सुबह हो जाती है। ये सोचकर जो है तुरंत जो मिस्टर शाह जो होते हैं वो कॉल काट देते हैं और यसुल को देखने लगते हैं और कहते हैं कि जब भी मैं इसके साथ होता हूँ मेरी बीमारी के सिम्टम्स चले जाते हैं। फिर यसुल जो है मिस्टर शाह के पास आती है और कहती है कि मैं आपको प्रूव करके दिखाती हूँ। फिर जो है वो मिस्टर शाह के जो है हाथों को 3 बार किस करती है, जिसमें वो पहली बार में देखती है कि जो है मिस्टर शाह और उनके फ्रेंड डॉक्टर की लड़ाई होने वाली है और जिससे जो है डॉक्टर के नाक से जो है खून बहने वाले हैं। फिर ये बताती है उसे। फिर दूसरी बार में वो फ्यूचर देखती है और कहती है कि रेगिस्तान है ये, पता नहीं कोई दूसरी कंट्री, लेकिन हर जगह धूल ही धूल है। फिर तीसरी बार में वो कहती है कि मुझे बचाने के चक्कर में आपके फोन जो है वो नीचे गिर जाएगा और जिससे उसकी स्क्रीन जो है टूट जाएगी। फिर मिस्टर शाह बोलते हैं कि फिर तो तुमने रात को भी कुछ देखा होगा है ना, जब हमने किस किया था। तो जो है वो कहती है हाँ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है, पता नहीं ये कैसे हो सकता है। फिर सीन जो है आगे बढ़ता है जहाँ यसुल की बहन जो है अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है कि तभी जो है यसुल वहाँ आती है और फिर उसकी बहन कहती है कि बताओ तुम्हारे मिस्टर शाह के बीच क्या हुआ। तो कहती है बस एक किस हुआ था और कुछ नहीं, उसके आगे कुछ नहीं हुआ था। फिर वो कहती है कि तुम्हें अपना फ्यूचर तो सच कर ही देना चाहिए था, कम से कम ब्लड तो डलती। यसुल होती है वो उससे कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है और तुम किससे बात कर रही थी। तो कहती नहीं मैं नहीं बताऊंगी। फिर वो सो जाती है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि यसुल और उसकी एम्प्लॉय जो है वो मिस्टर शाह और डायरेक्टर ली को आपस में बात करते हुए देख रही होती है। फिर मिस्टर शाह जो है डायरेक्टर ली से पूछते हैं कि तुम्हें जो है बहुत से ऑफर आए होंगे, लेकिन तुमने हमारे ही कंपनी को क्यों चुना। तो डायरेक्टर ली बोलते हैं क्योंकि तुम्हारी कंपनी का अंदाज ही कुछ और है। और फिर जो है यसुल को की तरफ जो है वो देखते हुए कहते हैं कि मेरे और कुछ पर्सनल रीज़न भी है जिसके वजह से मैंने जो है इस कंपनी को चुना है। और फिर जो है डायरेक्टर ली जो है वो सभी मेंबर से जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं। फिर अब जो है बातचीत जो होती है वो यसुल की होती है। फिर यसुल के पास वो आते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, जिसमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वो पहली बार मिले थे तो इसी तरह उन्होंने जो है हैंडशेक किया था। यसुल जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो वो जो डायरेक्टर ली जो होते हैं वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और चलने लग जाते हैं। इन्हीं सीनों को याद करते हुए जो है जैसे यसुल जो है उसे हैंडशेक करती है उसकी हार्ट बीट जो होती है तेज़ हो जाती है। तो मिस्टर शाह जो है उसे सुन लेते हैं और मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि जो है उनकी जो सिक्स सेंस है वो ज़्यादा ही काम कर रही हो। फिर थोड़ी देर बाद जो है यसुल परेशान से दिख रही होती है कि तभी जो है मिस्टर शाह वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी पर्सनल फीलिंग को जो है काम के बीच नहीं लाना चाहिए, और कहते हैं कि मैं देख सकता हूँ कि तुम अभी भी जो है उसके लिए कुछ ना कुछ फील करती हो। तो कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर वो जो है मिस्टर शाह बोलते हैं कि फिर अपनी जो है इस हार्ट बीट का कुछ करो, बहुत तेज़ है, मैं इससे बहुत परेशान हो गया हूँ। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर यसुल कहती है क्या मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मेरी हार्ट बीट इन्हें कैसे सुनाई दे रही है। फिर थोड़ी देर बाद जो है यसुल जो होती है वो एक जगह पे जो है बैठ के पी रही होती है कि तभी वहाँ पे जो है डायरेक्टर ले आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था तुम मुझे यहीं पे मिलोगी, जब भी तुम उदास होती हो तो यहीं पे आती हो। फिर वो बातों बातों में कहते हैं कि तुमने जो है मेरे स्टूडियो का वो सारा सामान तोड़ दिया था जो कि 27 मिलियन वॉन का था। फिर वो कहते हैं कि या तो मुझे वापस कर दो वो, या फिर तुम मेरे साथ जो है 3 बार जो है डेट पे चलो। तो यसुल कहती है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो क्या। फिर वो कहता है कि नहीं मैं तो तुम्हें बस वापस पाने की जो है कोशिश कर रहा हूँ बस। कहता है कि क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता। फिर सीन आगे बढ़ता है। फिर इधर जो है डॉक्टर और यसुल की बहन जो होती है वो जो साथ में जो है डेट पे गए होते हैं जहाँ पे वो शॉपिंग करते हैं, खाना खाते हैं और साथ में जो है होटल में भी जाते हैं। फिर जो है जब वो वापस आ रहे होते हैं कुछ इस तरह का जो है बिहेव करते हैं जिससे यसुल की बहन जो है वो भागकर अंदर चली जाती है। फिर वो भी जो है फिर थोड़ी देर में वो भी बाहर आती है, कुछ इसी तरह की हरकतें करने लगती है मानो कि पागल हो गए हों। फिर थोड़ी देर बाद जो है डॉक्टर जो होता है और जो जियोंग जो मॉडल होती है वो आपस में बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर जो है अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा होता है कि वो बहुत अच्छी है, मैं उसके बारे में सोच सोच के पागल हो रहा हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तो जियोंग कहते हैं कि हाँ जब किसी से प्यार होता है तो ऐसा ही लगता है। कि तभी जो है मिस्टर चा बोलते हैं कि आज रात को जो है मैं अपने रूम का जो है पासवर्ड ही चेंज कर दूंगा ताकि तुम घटिया लोग दोबारा इस रूम में ना घुस सको। कि तभी जो है ये सुनकर जो है डॉक्टर भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और कहते हैं कि तुम इतने गंदे कैसे हो सकते हो हैं। फिर जो है डॉक्टर जो होता है मिस्टर चार के बेड पर जो है बैठने की कोशिश करता है कि तभी जो मिस्टर चार जो होते हैं वो पीछे से उसे लात मार देते हैं जिसकी वजह से वो दीवार में सीधा जाके टकरा जाता है, जिससे की वजह से जो है उसके नाक से खून बहने लगता है। और ये देखकर जो है मिस्टर चार को याद आता है कि यसुल ने ऐसा ही कहा था, जिससे कि यसुल की जो है पहली बात सच हो जाती है।
फिर जब जो है जियोंग बाहर निकल रही होती है कि तभी जो है उसे जो है एक लिपस्टिक नज़र आती है और उसे याद आता है कि ये तो येसुल की लिपस्टिक है जो यूज़ किया करती थी। फिर इधर जो है येसुल की मम का कॉल आता है, फिर वो दोनों जो है आपस में बात कर रहे होते हैं। येसुल जो है उन्हें दूसरी शादी की मुबारकबाद देती है। फिर उसकी मम बोलती है कि तुम्हें जो है डेटिंग पे भी ध्यान देना चाहिए, अपनी लाइफ को तो थोड़ा तो टाइम वेस्ट करो तुम। फिर वो कहती है देखो तो आप कैसी माँ है जो अपनी बेटी को इस तरह बोल रही हैं अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए। फिर इधर जो है जियोंग जो है वो मिस्टर चा से पूछती है कि क्या कभी येसुल जो है यहाँ पे आई है क्या। तो फिर जो है मिस्टर चा बोलते हैं कि क्यों भला, तो वो कहती है हाँ हाँ मैं क्यों पूछ रही हूँ भला, हाँ पता नहीं क्यों। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ दूसरी टीम की जो मैनेजर होती है येसुल की टीम की एक एम्प्लॉय के साथ जो है मीटिंग कर रही होती है, जहाँ पे वो येसुल के बारे में उसे कान भर रही होती है और उसे अपनी टीम में मिलाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जो है वो भी चालाक होती है, वो जो है उसकी बातों में नहीं आती है और उसी की बातों में जो है उसे जवाब देती है। फिर येसुल जो होती है वो V9 कार के लॉन्च होने से पहले जो है उसकी ड्राइविंग ट्रायल के लिए जाती है, जिसमें जो है डायरेक्टर ली भी जो उसके साथ जा रहे होते हैं, जिससे जो है बहुत ज़्यादा परेशान होती है। कि तभी जो है मिस्टर शाह वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि कोई अनहोनी ना हो जाए इसलिए मैं जो है ड्राइव करूँगा और आपका मैनेजर के रूप में साथ दूंगा। फिर जो है डायरेक्टर ली मन ही मन कह रहा होता है ये देखो अभी ये फिर जो है मेरे काम में आ गया टांग अड़ाने के लिए। फिर जो है वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, मतलब पहले जो है मिस्टर चार ड्राइव कर रहे होते हैं, फिर जो है रास्ते में जो है डायरेक्टली ड्राइव करने लग जाता है। फिर वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो येसुल को जब ध्यान से देखती है तो वो कहती है ये तो वही जगह है जिसे उसने फ्यूचर में देखा था। फिर यही बात जब वो मिस्टर चा को बताती है तो मिस्टर चा जो है उसकी बातों पे थोड़ा तो बिलीव करते हैं, लेकिन वो उसे प्रिटेंड नहीं कर रहे होते हैं, मतलब कि उसे जो है उस पर विश्वास है। फिर जो है येसुल का ध्यान जो है डायरेक्टर ली पे जाता है, जहाँ वो जो है कार की कवरिंग को हटा रहा होता है कि तभी वो जो है जाती है उसके पास और मना करने लगती है उसे ऐसा करने से। फिर जो है डायरेक्टर ली कहता है कि क्या तुम अपना प्रॉमिस भूल गई हो क्या, तुमने प्रॉमिस किया था अगर मैं जो है इंटरनेशनल अवार्ड जीत के लाता हूँ तो तुम मुझसे जो है शादी करोगी। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो दोनों जो है बहुत अच्छे कपल होते हैं और साथ में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर वो जो कहता है कि मैं इस भरोसे से हमेशा रिंग जो है अपने साथ ले कर चलता हूँ कि पता नहीं कब तुम हाँ बोल दो। वो कहता है कि मैं इस बारे में सोचता हूँ कि हम दोबारा से एक कैसे हों। मैं तुम्हें जो है सिर्फ यहाँ डेट पे ही ले जाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कि फिर वो कहती है येसुल की पागल हो गया है इंसान, बस बकवास किए जा रहा है। तो येसुल जो है आगे जाने लगती है कि तभी उसका पैर जो है फिसल जाता है और वो मिस्टर चा की बाहों में जो है गिर जाती है, जिससे मिस्टर चा के जो फ़ोन होता है वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी जो है स्क्रीन जो होती है टूट जाती है। फिर वो तीनों जो है वापस आ जाते हैं तो डायरेक्टर ली जो होता है वो येसुल से फिर से जो है पूछने लगता है कि क्या तुम उस पर मेरे साथ जो है डिनर पे चलोगी। कि तभी वहाँ पे मिस्टर चा आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें जो है काम के सिलसिले में कहीं जाना है, और फिर जो है येसुल को वो वहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर डायरेक्टर ली कहते हैं कि आखिर है क्या चीज़ ये मेरे काम में जो है बार बार टांग अड़ा रहा है। फिर जो है आगे सीन बढ़ता है, जैसे येसुल जो है काम पे से जो है वापस आ रही होती है कि तभी जो है मिस्टर शाह जो है उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम पे विश्वास है, जो भी तुमने फ्यूचर देखा था हमारे बारे में वो बताओ ऐसा कैसे होगा। कहती है कि जो हम पहले किस करेंगे, फिर जो है आपके रूम में जाएंगे और इस तरह जो हम एक दूसरे में उलझ कर रह जाएंगे। फिर वो कहती है कि मुझे पता है मैं आपको जो है पसंद नहीं हूँ। कि तभी मिस्टर शाह बोलते हैं ऐसा कब कहा मैंने। फिर येसुल कहती है बस भी कीजिए, ऐसी सिचुएशन में मजाक मत कीजिए, मैं सोच सोच के जो है मरी जा रही हूँ। और आप फिर मिस्टर शाह जो है बोलते हैं चलो फिर आज ही करते हैं। तो कहती है क्या, फिर वो कहते हैं कि आज ही करते हैं, आज का दिन अच्छा है वैसे भी। फिर कहते हैं लेकिन मेरी एक कंडीशन है। कि तभी जो है वहाँ पे कोई आ जाता है, यहीं पे ये एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है।